हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट सिक्स में हमने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन देखा था आई होप आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से बना लिया होगा राइट right? नेक्स्ट आज भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे रहा क्लास क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्या है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ सोशल क्लब एंड इन्फॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड इड थर्टी मार्च ट्वेंटी द बैलेंस शीट एज ऑन डेट देखो ये क्वेश्चन जो है क्लास आपको टी एस अग्रवाल की बुक में आराम से मिल जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो और इस क्वेश्चन में आपको ये कुछ पॉइंट्स दे गए हैं चार पॉइंट्स हैं और इन चार पॉइंट के बाद क्लास यहाँ पे मिल जाता है इसका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट बनाएंगे ठीक है तो सबसे पहले हम जब भी क्वेश्चन बनाते हैं एडिशनल पॉइंट से शुरू करते हैं जो सबसे पहले स्टार्ट करना होता है एडिशनल पॉइंट से फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे जाना होता है तो क्या है पहला पॉइंट चेक करते हैं क्लब हैज फिफ्टी में पास पचास में पास पचास मेंबर है हर कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रहा है फाइव हंड्रेड तो पचास इन टू फाइव हंड्रेड आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अमाउंट निकल के आएगा क्लास कितना फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यानी कि पच्चीस हजार रुपए सब्सक्रिप्शन तुम्हें हर साल मिलना ही मिलना है एवरी ईयर जो तुम्हारी इनकम बनेगी पच्चीस हजार ही बनेगी ज्यादा मिल गया तो भी तुम्हें पच्चीस हजार ही लिखना है कम मिल गया तो भी तुम्हें ही लिखना है तो ये ट्वेंटी बनेगा क्लास आपका अमाउंट एवरी ईयर का ठीक है आगे क्या लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है ये क्या है क्लास आउटस्टैंडिंग बिगनिंग साल के शुरू में जो आउटस्टैंडिंग था वो छह हजार था ठीक है ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो ये सैलरी की बात कर रहा है चलो पहले सब्सक्रिप्शन निपटा देते हैं उसके बाद हम सारी चीजें करेंगे तो सब्सक्रिप्शन जो आपको रिसीव हुआ है ये टोटल तीन साल का रिसीव हुआ है मतलब थोड़ा सा अमाउंट जो है वो प्रीवियस ईयर का है थोड़ा करंट ईयर का है थोड़ा नेक्स्ट ईयर का है तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन क्लास आपका बनता है ट्वेंटी प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस फोर ट्वेंटी नाइन थाउजेंड ठीक है ट्वेंटी नाइन थाउजेंड का क्लास बनता है सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पे क्लास लिखेंगे हम लोग यहां लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है वो कितना ट्वेंटी करेंगे साफ साफ दे रखा था आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है छह हजार का तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग लिख देंगे सिक्स थाउजेंड का ठीक है और मैंने आपसे हमेशा एक बात कही है क्या कही है क्लास कि ये जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये दिया रहता है ना क्लास नेक्स्ट ईयर का फोर थाउजेंड ये हमेशा एडवांस एट द एंड होता है इसमें कोई दो राय नहीं है ये हमेशा एडवांस एट द एंड होगा अब हम बात कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का कितना होगा यानी कि जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है वो अमाउंट कितना होगा ये हम लोगों को अच्छे से समझना है ठीक है आउटस्टैंडिंग एट द एंड तो एक मुझे बताओ यहां पे आप देखो तुम्हारे पास 50 मेंबर है हर कोई पाँच सौ रुपए सब्सक्रिप्शन दे रहा है तो तुम्हें हर साल जो पैसा मिलना है वो 25,000 का मिलना है हर साल एवरी ईयर की जो सब्सक्रिप्शन की इनकम होगी वो 25,000 की होगी लेकिन जो रिसीव हुआ है आपको तो जो इस साल रिसीव हुआ है वो 20,000 रिसीव हुआ है तो जो 5,000 है वो आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर है ध्यान रखना फॉर दिस ईयर इस इस साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो फाइव थाउजेंड है कैसे क्लास आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो हर साल पच्चीस हजार का होना चाहिए क्योंकि आपके पास पांच सौ कोई पचास रुपए देता है लेकिन इस साल जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो बीस हजार सब्सक्रिप्शन मिला है तो सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है इस साल के लिए टोटल वो पांच हजार है यानी कि फाइव थाउजेंड सब्सक्रिप्शन इस साल का आउटस्टैंडिंग है तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्लास यहां पे ध्यान समझना मैं क्या लिख रहा हूं देखो outstanding for this year outstanding subscription for this year इस साल का जो outstanding है हर साल तुम्हें 25 मिलना चाहिए इस साल तुम्हें 20 मिला है तो इस साल का जो outstanding है वो है पांच हजार है ना still outstanding for previous year still outstanding for previous year पिछले साल का अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है जो पिछला साल है पिछले साल का अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है अगर आप हिसाब किताब देखो तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग दे रखा है छह हजार का यानी कि पिछले साल के एंड में छ हजार आउटस्टैंडिंग था पिछले साल के छह हजार में से पांच हजार आपको रिसीव हो गया है पांच हजार आपको रिसीव हो गया है तो स्टिल आउटस्टैंडिंग आपके आपका आगे आपका एक हजार तो ये जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड होता है ना वो आपको सीधा सीधा मिल गया छह हजार यानी कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्लास छह हजार रुपए आपको डायरेक्टली आउटस्टैंडिंग मिल गया कितना सिक्स थाउजेंड तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड तुमको पता चल गया टोटल एक हजार आपके पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है पांच हजार फाइव थाउजेंड इस साल का टोटल हो गया छह और आपका देखो यानी कि सर क्या हम सीधा सीधा नहीं लिख सकते थे पचास इंटू पांच सौ बेटा सुनो अगर तुम्हें ऐसे नहीं आ रहा है तो तुम सीधा सीधा ऐसे लिख देना टेंशन छोड़ो अगर ऐसे नहीं आ रहा सर गलत तो नहीं होगा बेटा सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर के आंसर में लास्ट ईयर में देखना डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख रखा है अगर इनकम एक्सपेंडिचर पूछा है ये मैं क्यों बना रहा हूं क्योंकि अगर बैलेंस शीट बनाने को आएगा तो वहां काम आएगा बैलेंस शीट जनरली पूछा जाता नहीं तो इसलिए क्लास आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो बट कोशिश करना अगर ऐसे आता है आपका आंसर तो ऐसे ही लिखना क्या पता कौन सा सनकी डीजल लग जाए आपकी कॉपी में और गलत कर दे तो इसीलिए क्लास आप कोशिश है कि आप कोई अपनी गलती ना छोड़ो ठीक है चलो सब्सक्रिप्शन का पॉइंट तो हम लोगों का हो चुका है सब्सक्रिप्शन इज डन नेक्स्ट आते हैं सब्सक्रिप्शन हो गया तो चीजें आसान लगती हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग तो ये एंड का है आउटस्टैंडिंग एट द एंड और पेड ईयर इकतीस मार्च इक्कीस छह हजार फॉर ईयर अच्छा ये आउटस्टैंडिंग ये जो है ना क्लास इसमें लिखा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड तुमको दिया है दो और सैलरी पेड इन द ईयर एंड इकतीस मार्च इक्कीस इंक्लूड सिक्स थाउजेंड फॉर द ईयर एंड इकतीस मार्च बीस तो यानी कि आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का भी दे रखा है आउटस्टैंडिंग एंड का भी दे रखा है तो सैलरी का तो आप जानती हो क्या काम करना है फटाफट क्लास सैलरी काम करो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का भी दे रखा है आउटस्टैंडिंग एंड का भी तो एंड का है दो हजार बिगनिंग का है छह हजार लिखो सैलरीज आपको यहाँ भी दे रखी है कितनी ट्वेंटी एट थाउजेंड लिखो क्लास सैलरीज टू सैलरीज टू सैलरीज ट्वेंटी एट थाउजेंड प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग तो जो आउटस्टैंडिंग एंड का दे रखा है क्लास आपको आउटस्टैंडिंग एंड साफ साफ दिया हुआ कितना दो हजार है और बिगनिंग का है कितना छ हजार एंड का दो हजार है बिगनिंग का है छ हजार माइनस कर दोगे आएगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड ठीक है और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है क्लास लाइबिलिटी है तो यहां पे आपने आउटस्टैंडिंग बिगनिंग आउटस्टैंडिंग एंड ये भी लिख दिया अब इसके बाद नेक्स्ट है सी पॉइंट हमारा हो चुका है पूरा का पूरा डी पॉइंट एक अप्रैल को, को क्लब के पास बिल्डिंग है दो लाख की फर्नीचर है बीस हजार का और बुक्स भी बीस हजार की है क्लब के पास बिल्डिंग है टू लाख की फर्नीचर ट्वेंटी थाउजेंड एंड बुक्स ट्वेंटी थाउजेंड और फर्नीचर पर लग रहा है डेप्रिशन टेन परसेंट ठीक है चलो कोई बात नहीं आगे देखते हैं अच्छा फर्नीचर पर डेप्रीशन लग रहा है टेन थाउजेंड तो यहां देखो आपने कुछ फर्नीचर खरीदा तो नहीं कुछ भी फर्नीचर नहीं खरीदा कुछ फर्नीचर आपने बेचा तो नहीं कुछ भी फर्नीचर नहीं बेचा तो सीधा इस फर्नीचर का ट्वेंटी थाउजेंड का टेन परसेंट आ जाएगा कितना टू थाउजेंड्रीशन लिखो टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर ट्वेंटी थाउजेंड का टेन परसेंट सीधा क्लास आ जाएगा कितना टू थाउजेंड ठीक है आई थिंक और तो कोई पॉइंट है ही नहीं आप देखोगे तो देखो सब्सक्रिप्शन का भी हो गया सैलरी देखो लेवल पांच नंबर में यही है इतना बड़ा क्वेश्चन पांच नंबर में जायज है पूछा जा रहा है इससे छोटा नहीं बड़ा नहीं एक एप्पल को ये सब चीज दे रखी है क्लास इनके पास आपका फर्नीचर का डिप्रिशिएशन भी आ गया सारी चीजें हो चुकी अब तुम्हें क्या करना है अब तो करना चीजों को भेजना उधर यानी कि इनकम में पेमेंट की सारी चीजें भेजना है क्लास आपके एक्सपेंडिचर में आपका आंसर आ जाएगा लेकिन क्या क्या नहीं भेजना है वो आपको पता होना चाहिए ओपनिंग बैलेंस कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाता ना ही कोई क्लोजिंग बैलेंस जाता है बुक्स असेट है बुक्स भी नहीं जाएगा क्लास बुक्स तो असेट है वो भी नहीं जाएगा बाकी ये सारी चीजें क्लास भेज दो आप डेबिट साइड और ये जितनी भी चीजें हैं क्लास लाइक हायर ऑफ ग्राउंड सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट ये भी क्रेडिट आएगा

सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ठीक है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये रहा सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट आठ हजार आ गया सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर पेपर दो हजार है और हायर हायर ग्राउंड है फोर्टीन थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड एट थाउजेंड एंड टू थाउजेंड ठीक है ये हमने कर दिया ट्रांसफर ये सारी चीजें हमने क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दिया सैलरी जनरल एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और न्यूज ये सब आप डेबिट भेज दो सैलरी जनरल एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सैलरी हो चुका है टू जनरल एक्सपेंस जनरल एक्सपेंसेस टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ठीक है सैलरी हो गया जनरल एक्सपेंस हो गया इलेक्ट्रिटी चार्जेस और न्यूज़पेपर 8000, न्यूज़पेपर 8000 का न्यूज़पेपर है एट थाउजेंड का न्यूज़पेपर पेपर एट थाउजेंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फोर थाउजेंड जनरल एक्सपेंस सिक्स थाउजेंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया फोर थाउजेंड का जनरल एक्सपेंस सिक्स थाउजेंड सैलरी हो चुका है क्लास खत्म बस हमने सारी की सारी चीज़ें कर ली अब जरा आप टोटलिंग करो और आंसर आपका आ गया सरप्लस डेफिशिट जो भी है तो इस तरीके से क्लास आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आराम से बना सकते हो डेबिट साइड बैलेंस बचेगा तो सरप्लस है एड कर लेते हैं कितना आ रहा है चेक करो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड टेन थाउजेंड फोर्टी नाइन थाउजेंड फोर्टी नाइन थाउजेंड आ गया फोर्टी नाइन थाउजेंड तो जो आंसर आ गया वो आ गया फाइव थाउजेंड तो आपका जो सरप्लस आ गया वो आ गया क्लास आपका फाइव थाउजेंड का सरप्लस राइट right? तो इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया अगर आप देखोगे ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सच कहूं तो पांच में से तीन नंबर तो कोई भी बच्चा लेके आ सकता है क्योंकि मैं से हटा रहा हूं क्लास पॉज करके लिखना हो लिख लो अदरवाइज करकेट ले लो क्योंकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना उसके अंदर इधर की सारी चीजें उधर भेजनी है उधर की सारी चीजें इधर भेजनी है बस जो कैपिटल नेचर के एक्सपे ट्रांजेक्शन है लाइक बिल्डिंग मशीन फर्नीचर बुक्स ये सारी चीजें खरीदा बेचा मटेरियल खरीदा बेचा ये सब नहीं आएगा डेप्रिशिएशन आएगा लॉस ऑन सेल आएगा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आएगा जैसे इलेवेंथ में तो पीडल बनाते वैसे ही बाकी कुछ एडिशनल पॉइंट होंगे वो आप देख रहे एंड का प्लस करना होता है हर जगह बिगनिंग का माइनस एडवांस बिगनिंग का प्लस एंड का माइनस आराम से हो जाएगा तो ऐसे अपने बुक से क्लास एक दो क्वेश्चन आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगले पार्ट में एनपीओ का आखिरी पार्ट होगा और एनपीओ को नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम फिनिश कर देंगे ठीक है तब तक टेक केयर बाय बाय बताना क्लास समझ आया कि नहीं और वीडियो को शेयर करना अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में भाई बहनों में नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और एनपीओ चैप्टर को एंड करेंगे ओके टेक केयर बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में